वेलकम बैक टू नाइटिंग नर्सिंग एकेडमी। आज मैं आपके लिए फिर से यहाँ पे न्यू अपडेट लेके आ गई हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि LLRM मेडिकल कॉलेज के द्वारा यहाँ पे रिक्रूटमेंट आ चुकी है, जिसमें कि स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगी पूरी अपडेट, तो बने रही वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिए गए जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुँच सकें। क्योंकि इस चैनल पे चाहे वो CHO की वैकेंसी हो, या फिर ESIC की वैकेंसी हो, या फिर स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो, या फिर कोई भी वैकेंसी हो, आपको पूरी अपडेट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं पूरी डिटेल की ओर, और यहाँ से जाके हम जो है इसकी ऑफिशियल साइट से जाके इसका नोटिफिकेशन जो है क्लिक हेयर पर जाके डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो है डाउनलोड हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय प्रधानाचार्य यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के द्वारा यहाँ पे अपडेट आ चुकी है, जिसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट है। टोटल पदों की संख्या जो है कुल पद 11 है, जिसमें सामान्य में 6, अनुसूचित जाति में 2, आर्थिक पिछड़ा वर्ग में 3। ठीक है, योग्यता की बात करें तो BSc JNM वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल से आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नर्सिंग काउंसिल से। और नोट में ये है नवजात शिशु गहन इकाई में अनुभव, मतलब आपका पेडियाट्रिक में यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। पेमेंट की बात करें तो 20,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे दिया जाएगा। इसके बाद जो इसकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसकी लास्ट डेट जो है वो 22 जून है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको पंजीकृत और स्पीड पोस्ट के द्वारा ही इसको प्राप्त किया जा सकता है, इस फॉर्म को। ठीक है, और यहाँ पर जो है यहाँ पर बताया गया है किस बेस पे आपका यहाँ पे एग्जाम सिलेक्शन होगा। तो क्वालिफिकेशन में BSc JNM तो अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज जो रहेगा वो रहेगा आपका 14 ईयर्स। ठीक है, जो कि 31/3/2021 से काउंट किया जाएगा। और यहाँ पे 12th पास होना चाहिए, और इसके बाद जो है 12th पास होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया। और JNM BSc वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, तो यहाँ पे कुछ मैंने तो बताया, एज लिमिटेशन ही मैंने बता दिया है। ठीक है, और लास्ट डेट भी मैंने बता दिया है। इसके बाद देख सकते हैं ये फॉर्म है, तो इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है। यहाँ पासपोर्ट साइज फ़ोटो है। ठीक है, उसके बाद आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, यहाँ पे पूरा डिटेल अपना क्वालिफिकेशन का सब कुछ डालना है और साइन करना है। तो ये थी पूरी अपडेट। तो अच्छी वैकेंसी रहेगी ये उत्तर प्रदेश वालों के लिए, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 22 जून है। अभी भी आपके पास टाइम है, आपको जाना है इसके ऑफिशियल साइट पे, वहाँ जाके जो है ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है 5 PM से पहले 22 तारीख को। टोटल 11 पोस्ट रहेंगे, 20,500 जो मिलेगा। BSc JNM दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ये थी पूरी अपडेट। अगर अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।